सो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एक बार नए वीडियो में। मैं आपका दोस्त सोमनाथ वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, रिसेंटली मैंने अपने मेन चैनल पे एक वीडियो डाला था, जो इस वीडियो के पहले आपने देखा ही होगा। बहुत सारे लोगों ने उसको अच्छा सपोर्ट दिखाया। उस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि कैसे पोर्टर एक बहुत बड़ा स्कैम कर रहा है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये सुन के मुझे बहुत ही बुरा लगा कि वो वीडियो बहुत सारे लोगों को तो समझा ही नहीं, बहुत सारे लोगों के सर के ऊपर से वीडियो चला गया। उस वीडियो में मैंने जो जो चीज़ आपको दिखाई थी, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि कुछ एप्लीकेशन का एरर या फिर लोकेशन का जो एरर होता है उसके वजह से आपका फेयर कम हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको पता नहीं होगा तो आप जाके वो मेरा वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ जिन लोगों को उसमें वो चीज़ें समझ में नहीं आई है, इस वीडियो में मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ कि दोस्तों उस टाइम पे मेरे साथ में हुआ क्या था और उस चीज़ को मैं स्कैम क्यों बोल रहा हूँ, पोर्टर का बहुत बड़ा स्कैम उस चीज़ को मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो आपको इस वीडियो में समझ में आने वाला है, तो वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखो। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहता हूं। रिसेंटली दोस्तों, आपको जैसे कि पता होगा, इस वीडियो में मैंने आपको भी बताया था कि उस टाइम में मैं मुंबई गया था और मुंबई से मैं कल्याण गया था। तो कल्याण में जाने के बाद दोस्तों, मुझे उधर से एक भाड़ा मिला जो कि था मुंबई में रात को लगभग 11 बजे। तो उस टाइम पे मुझे मुंबई में जाना पॉसिबल नहीं था, तो उसके लिए मैंने पोर्टर पे एक टाटा इस बुक किया। तो दोस्तों, इधर तक आप पूरी स्टोरी समझ गए होंगे जो कि मैंने उस वीडियो में भी बताया था। बट दोस्तों, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, मैं जब कल्याण में था रात के लगभग 12 बज रहे थे, तो उस टाइम पे मुझे एक कस्टमर का बुकिंग आया जो कि था पूना के लिए। दोस्तों, उस टाइम पे मुझे वो बुकिंग था, वो पिकअप था मुझे अंधेरी से करना, तो उधर मुझे जाना पॉसिबल नहीं था आधे पौन घंटे में, क्योंकि कस्टमर को अर्जेंटली गाड़ी चाहिए थी। तो उस टाइम पे मैंने डिसीजन लिया कि उधर से मैं पोर्टर का गाड़ी बुक करूँ, टाटा एस। तो मैंने टाटा एस बुक भी किया, पार्टनर कस्टमर के लोकेशन भी चला गया। बट दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, उस टाइम पे जब मैंने गाड़ी बुक करी तो मुझे लगभग 1971 रुपये मुझे फेयर दिखाया था, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 1971 रुपये मुझे फेयर दिखने के बाद मैंने गाड़ी बुक करी, गाड़ी पिकअप लोकेशन पे पहुंची, मटेरियल लोड हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने पनवेल का ड्रॉप लोकेशन डाला था, तो पनवेल का ड्रॉप लोकेशन डालने के बाद जैसे गाड़ी ड्रॉप लोकेशन पे पहुंची, तो मैं कल्याण में जब मैंने गाड़ी बुक करी तब मैं कल्याण में था, तो मैं कल्याण से पनवेल में चला गया जिधर मेरी गाड़ी आने वाली थी। तो उधर गाड़ी जब आई, मैंने गाड़ी क्रॉसिंग कर ली, मैंने अपना मटेरियल अपनी गाड़ी में क्रॉस कर लिया। उसके बाद में जब पार्टनर ने ट्रिप एंड करी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पार्टनर की स्क्रीन मैंने तब तक देखी नहीं थी। जब पार्टनर ने ट्रिप एंड करी तो उसको फेयर आया 1371 रुपये। तो दोस्तों, उसके बाद में मैंने उसको 1400 रुपये पेमेंट किया। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उधर ही मेरे को गड़बड़ नजर में आ गई कि दोस्तों, जब मैंने गाड़ी बुक करी तो मुझे 1971 रुपये फेयर दिखाया था, और जब पार्टनर मेरे लोकेशन पे आया है ड्रॉप लोकेशन पे, तो पार्टनर का 1371 रुपये हुआ कैसे? तो ये गड़बड़ मैंने जब लास्ट वीडियो में बताई तो बहुत सारे लोग कमेंट करने लगे कि सोमनाथ भाई, आपने कस्टमर केयर को कॉल करना चाहिए था, सोमनाथ भाई उस टाइम पे लोकेशन जीपीएस का कुछ प्रॉब्लम होगा, उस टाइम पे फेयर कम काउंट किया होगा। दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ कि ऐसे प्रॉब्लम्स पोर्टर में आती रहती, बट इस केस में क्या हुआ था मैंने आपको जैसे कि मैंने समझाया था, बट मैं आपको वापस समझा दूँ कि पार्टनर को जो अमाउंट एंड करने के बाद दिखाए, वो सेम अमाउंट पार्टनर को जब ट्रिप आया तब दिखाए थे। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैंने जब गाड़ी बुक करी तो मुझे 1971 रुपये फेयर दिखाया गया था, बट जब पार्टनर ड्रॉप लोकेशन पे आया और ट्रिप एंड करी तो 1371 रुपये पार्टनर को दिखाए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि पार्टनर ने मुझे एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड भी नहीं करी। क्योंकि दोस्तों, आपको पता ही होगा, अगर आप एक पोर्टर में काम करते हो, जब भी आपका जब फेयर दिखाया जाता है 2000, और जब ट्रिप एंड करते हो अगर आपको 1500-1600 रुपये दिखाया जाता है, तब आप कस्टमर केयर को कॉल करते हो या फिर आप डायरेक्ट कस्टमर को बोल देते हो कि जब सर मुझे ट्रिप आया था तो मुझे 2000 दिखाया था, और अब मैं आपका भाड़ा लेके आया हूँ तो मुझे 1500 रुपये दिखा रहा है, तो आपको 2000 ही देना पड़ेगा। तो ऐसा मैंने बहुत बार किया है और कस्टमर ने मुझे पैसे दिए भी है। पर दोस्तों, उस केस में क्या हुआ कि पार्टनर ने मुझे बोला ही नहीं, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि पार्टनर को 1371 रुपये ही दिखाया था। ये चीज जानने के लिए दोस्तों, मैंने और रिसर्च करी, थोड़े से पुख्ता सबूत मैं आपके लिए आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कि दोस्तों, ये चीज सही में स्कैम हो सकता है। कैसे, मैं आपको बता दूं दोस्तों। उसके बाद में मैंने जानने के लिए चेक किया कल्याण का एक भाड़ा डाल के, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, और उधर ही एक पार्टनर मेरा पहचान का है, उसको उस लोकेशन से मैंने ट्रिप डाली थी। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, जब मैंने ट्रिप बुक किया तो मुझे अमाउंट कितना दिखा रहा देखो टाटा एस का, और जब उस टाटा एस को जब वो ट्रिप अलोकेट हुई, मतलब बज रही थी उसके स्क्रीन पे, तब उस टाइम पे वो पार्टनर को कितना अमाउंट दिखा रहा है वो भी आप देख लो। तो दोस्तों, ये गड़बड़ हो जाती है ट्रिप के बाद, मतलब जितने लोगों को लग रहा था कि लोकेशन एरर के वजह से ये ट्रिप में हुआ रहेगा, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि ये लोकेशन एरर के वजह से हुआ नहीं है, ये बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो सकती है। पता नहीं दोस्तों, ये कैसे हो रहा है। अगर पोर्टर के इतना बड़ा अगर स्कैम कर रहे, तो लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी। जितने भी लोग पोर्टर पे गाड़ी बुक करते हैं जो कि कस्टमर से, उनको पता होना चाहिए कि पार्टनर को अमाउंट कितना दिखा रहा है और हमको अमाउंट कितना दिखा रहा है। कई बार क्या हो सकता है,
पार्टनर कस्टमर को 2000 रुपये अमाउंट दिखा दे तो पार्टनर को अगर 1500 दिखा रहा है तो अगर कस्टमर वॉलेट में 2000 रुपये का पेमेंट कर दे तो उस टाइम पे पूरे के पूरे 500 रुपये पोर्टर को जा सकते हो और बेचारे पार्टनर को सिर्फ 1500 रुपये मिलेंगे, उसमें से भी उसका कमीशन काट लिया जाएगा। इसी चीज़ की वजह से मैं बोल रहा था कि ये बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों को उस वीडियो में समझ में नहीं आया कि मैं उस वीडियो में स्कैम किस चीज़ को बोल रहा था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं हर बार दोस्तों कुछ ना कुछ आपके लिए नया सीखने के लिए नया कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के जरिए देता हूं। तो हो सकता है कि मेरे वीडियो आपको समझ में नहीं आते होंगे, तो बट आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर नहीं आते तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जो मैंने कमेंट्स देखे तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि GPS का प्रॉब्लम हो सकता है, आपने कस्टमर केयर को कॉल करना चाहिए था। बट दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर हम लोग कस्टमर केयर को कॉल करते थे तो पार्टनर को GPS एरर के वजह से ऐसा हुआ ऐसा बोल दिया जाता था, पता नहीं क्या बोल दिया जाता था, बट उस टाइम पे वो सिचुएशन नहीं था कस्टमर केयर को कॉल करने का। उस टाइम पे मैंने जायज समझा कि उसको जो पेमेंट दिखा रहा था उसके अलावा मैंने उसको 1400 रुपये पे किया राउंड फिगर, उसको मैंने अमाउंट पे करने के बाद मैं उधर से निकल आया। बट दोस्तों दूसरे दिन भी मैंने जब ये ट्रिप ट्राई किया तो कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया कि मुझे कस्टमर एज अ कस्टमर अलग अमाउंट दिखाता है और आपको पार्टनर को जब ट्रिप आती है तो पार्टनर को अलग अमाउंट दिखाता है। तो ये सरासर बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। अगर कोई पोर्टर का स्टाफ अगर ये वीडियो देख रहा तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, अगर ये कोई स्कैम है तो ये हरगिज ना करे, क्योंकि इससे बैड इम्पैक्ट हो सकता है। जो पार्टनर लोग आपके इधर काम करते हैं बहुत ही मजबूरी में आपके इधर काम कर रहे हैं, 5-6 लाख की वो गाड़ियाँ लेके आपके इधर काम कर रहे हैं, मार्केट में ऑलरेडी पूरा रेट आप लोग गिरा के काम कर रहे हैं। अगर और इस तरीके से अगर आप स्कैम करोगे तो कस्टमर को तो लगेगा कि हम लोग ड्राइवर लोगों को तो अच्छा खासा पैसा दे रहे क्योंकि वो आपको पे कर रहे, तो उसके बाद में कस्टमर लोग सोचोगे कि इतना ज़्यादा पैसा देने के बावजूद भी टेम्पो वाले हमको अच्छी सर्विस नहीं दे पाते। और बहुत बार पोर्टर भी कंप्लेंट करता रहता है कि बैड बिहेवियर ड्राइवर बोल के रीजन डाल के बहुत सारे पार्टनर्स को सस्पेंड भी करता रहता है। तो पोर्टर कंपनी को मैं कहना चाहूँगा, अगर आप जो पार्टनर के हक का है अगर उसको दे देते हो तो पार्टनर भी अच्छे से कस्टमर को सर्विस देगा, क्योंकि आप लोग उससे 18% कमीशन लेने के बावजूद अगर उसका फेयर इतना कम आता है तो उसको किसी भी प्रकार से उसको वो परवड़ता नहीं है। तो ध्यान रखिए, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो प्लीज़ ऐसा मत करो। अगर ऐसा कुछ अगर आपका सिस्टम का एरर है तो इसको जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हो। दोस्तों जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में कुछ बातें समझ में नहीं आई, आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको समझ में आई होगी। अगर इस वीडियो में भी आपको कुछ बातें समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाएगा, चैनल पर पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि ऐसे वीडियो में आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।